भाई आईपीएल 2023 के ऑक्शन में ज्यादा दिनों का समय बचा हुआ है नहीं, अब मात्र गिन के अगर बात करें तो 3 से 4 दिनों का समय बचा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ऑक्शन 2024 होता हुआ नजर आने वाला है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए चीज के बारे में। क्या सचमुच रोहित शर्मा चेन्नई में आते हुए नजर आने वाले हैं, स्काई को लेकर क्या चीजें निकल के आ रही है, और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे चेन्नई नए खिलाड़ी को टारगेट करेगी, कौन है वो प्लेयर। तो गाइस वीडियो को अभी तक पूरा इंटरनेट तो देखिएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट नीचे देख लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आईपीएल 2024 का ऑक्शन उसके साथ 2024 का आईपीएल मेगा ऑक्शन अगले साल होने वाला है, सब चीजों का न्यूज आपको यही पे मिलेगा। फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जो दबाएगा, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूज को लेकर, और गाइस ये निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आते हुए नजर आने वाले हैं। सो गाइस इस पे काफी बड़ी यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है, क्योंकि कल शाम को एक ऐसा चीज हुआ जो कि पूरे क्रिकेट जगत आईपीएल के फैंस को हिला के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एकाएक मुंबई इंडियंस के वेबसाइट और उनके पेज से उनके इंस्टाग्राम हैंडल से निकल के आता है कि हार्दिक पांड्या इनके कप्तान हो चुके हैं और रोहित शर्मा को साइड लाइन कर दिया गया है। इसके बाद फैंस का गुस्सा भी फूटा, टेलीग्राम पे इनके फॉलोअर्स भी कम हुए, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम हुए, यानी कि हर एक सोशल मीडिया पे इनका पूरा जो कि एक हैंडल था जो कि काफ़ी तेजी से फैंस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो एकाएक कम हुआ। फैंस के अंदर आक्रोश, गुस्सा, सब चीज़ें देखने को मिली कि रोहित शर्मा को आखिर कप्तानी से हटाया ही क्यों और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का क्या लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो गाइस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा, और उसके साथ एक और खबर निकल के आती है कि ये सीजन तो रोहित शर्मा अब यहाँ पे छोड़ नहीं सकते मुंबई का साथ, क्योंकि रिटेंशन पॉलिसी हो गया है, लेकिन अगला सीजन ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा मुंबई का साथ छोड़ दें, और मेगा ऑक्शन में बड़ी चीज ये होती हुई नजर आ सकती है कि रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में आ सकते हैं। हाँ गाइस चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में आ सकते हैं, क्योंकि चेन्नई को भी अगले सीजन में जरूरत है एक कप्तान की, अगर एमएस धोनी छोड़ते हैं और अगर वो कप्तान रोहित शर्मा जैसा कप्तान होता है तो सचमुच टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो गाइस फैंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है कि चांसेस हाईली रेट करते हैं कि मेगा ऑक्शन में यहाँ पे बात करें तो रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि गाइस मेगा ऑप्शन होगा हार्दिक पांड्या की चीज़ें देख के, और जिस तरीके से इन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रोहित शर्मा को अनफॉलो किया है, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ने ही वाली हैं, ये यहाँ पे चीज़ें रुकेंगी नहीं। तो ये चीज़ें देख के रोहित शर्मा जरूर अगला सीजन में मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ेंगे, उसके बाद ये चेन्नई का साथ देख सकते हैं, क्योंकि चेन्नई का हर वो एक कैटल जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्टेप मार्क करता है वहाँ पे रोहित शर्मा अच्छी तरीके से स्टेबल तैयार होते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि अगले सीजन में रोहित शर्मा आपको येलो जर्सी में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज़ को लेकर, और यह है स्काई को लेकर। हाँ गाइस सूर्य कुमार यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ये तस्वीर हार्ट ब्रेक का निकल के आता है, वही चीज़ है कि इस बात कर ले इस न्यूज़ के बाद मुंबई के क्रिकेटर्स पूरी तरीके से हिल चुके हैं, और वो जो पहली वाली चीज़ें थी अब वो दिखती हुई तरह नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का भी ये चीज़ें जरूर वो कप्तानी वाला जो एंगल है वहीं पे कहीं ना कहीं ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस पहली बात करने वाले अगले न्यूज़ को लेकर, और ये है ऑक्शन टाइमिंग को लेकर। ऑक्शन टाइम कब होने वाला था, 2:30 बजे से ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन टाइम को चेंज कर दिया है बीसीसीआई ने। अब जो आईपीएल ऑक्शन होगा वो 19 दिसंबर को 1 बजे दोपहर से ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ गाइस 1 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसको बीसीसीआई ने चेंज किया है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाएंगी कि हम 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 8-9 बजे तक पूरा ऑक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये ऑक्शन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऑक्शन है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, टीम्स काफ़ी ज़्यादा जाने वाली हैं, तो 1.5 घंटे इसे और पीछे खींच लिया गया है, और 19 दिसंबर को आप 1 बजे से ऑक्शन देखते हुए नजर आ सकते हैं। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज़ को लेकर, लेकिन उसके पहले आपको टेलीग्राम पे जाना है, क्योंकि एक एक खबरें, हर वो एक न्यूज़ जो कि आप पाना चाहते हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है। साथ में फेज 6 स्टार्ट होने वाला है मॉक ऑक्शन का, पूरा ऑक्शन वाला माहौल जमता है, यानी कि हमारा टेलीग्राम बेस्ट टेलीग्राम है, ये आप जाके देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ लगातार, क्यों मैं ऐसा कहता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, फटाफट जाइए टेलीग्राम को फॉलो करिएगा। तो गाइस पानी बात करने वाले अगले न्यूज को लेकर, और यह मनीष पांडे को लेकर। मनीष पांडे बैन हो चुके हैं क्रिकेट से नहीं
बल्कि बॉलिंग से। हाँ गाइस, बॉलिंग एक्शन इनका इलीगल था काफ़ी पहले यहाँ पे पूरे तरीके से क्रिकेट में, और यहाँ पे उनके रूल के तहत वो जो इनकी बॉलिंग एक्शन है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हुए नज़र आ रही थी, और यहाँ पे इसे BCCI और ICC ने बैन कर दिया है। और अब मनीष पांडे आपको क्रिकेट में कभी भी बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आएंगे, जो कि एक न्यूज़ निकल के आई थी। मैंने आपको बता दिया कि मनीष पांडे को बैन को लेकर कहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो भाई फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज़ के बारे में, और चेन्नई सुपर किंग नए खिलाड़ी को टारगेट करने सकती है, वो है रोमन पावल। क्यों टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले सीजन में जब ये ऑक्शन में आए थे तो चेन्नई काफ़ी हद तक इनके पीछे गया था, लेकिन एट द एंड में दिल्ली बाजी मार ले गई थी। लेकिन अब इस सीजन में ऐसा हो सकता है कि अगर चेन्नई को अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी नहीं मिलते हैं तो चेन्नई इनके पीछे जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि मैंने पिछले सीजन में गया था, तो इस सीजन में भी हो सकता है जाती हुई नजर आ सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वो सभी न्यूज जो कि निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस फाइनली आप बताएगा कि आपके लिए कौन सी खबर सबसे अच्छी है, आपके अपनी जो हो रहा है कमेंट करके लाल करते हैं।